आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौवीं की क्षितिज भाग एक, जो कि कक्षा नौवीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसकी जो कविता है आज हम वो पढ़ेंगे और इस कविता का नाम है कैदी और कोकिला। ठीक है, इसका भावार्थ हम देखते हैं। कैदी और कोकिला जो कविता है इसका भावार्थ आज हम देखेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका भावार्थ देखने के पहले हम इसके कवि के बारे में देख लेते हैं। इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है यह। और माखनलाल चतुर्वेदी जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गाँव में इनका जन्म हुआ था। तो यह जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि है। और जो मुख्य मुख्य बातें हमें देख लेनी चाहिए वो है कि इन्होंने जो है कर्मवीर और प्रताप नामक पत्र का संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियां है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है इनकी रचना राष्ट्रीय भावना से युक्त है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना से युक्त है और इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा, तो इस नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय भावना है मतलब देश प्रेम की भावना से संबंधित है इनकी रचनाएं। जो कविता पढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि यह कविता किस विषय पर और किस आधार पर लिखी गई है। तो ब्रिटानी उपनिवेशवाद, ब्रिटानी मतलब ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। जब अंग्रेजों का शासन था तो उसे ही ब्रिटानी उपनिवेशवाद कहा जाता है। उस समय जो शोषण हो रहा था भारतीयों का, उसी का बारीक विश्लेषण करती हुई यह कविता है कैदी और कोकिला। और यह उस समय बहुत अधिक लोकप्रिय भी रही थी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इस कविता में यह बताया गया है कि उस समय जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। कवि जेल में एकाकी और उदास है। तो यहाँ पर जो कवि जो कविता लिख रहे हैं वो उस समय जेल में है, एकाकी मतलब अकेले और उदास है। कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। ठीक है, यह समय कैसा है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो वह समय कैसा था, मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार, ठीक है, कारागार मतलब जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। ठीक है, तो अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है कैदी और कोकिला और इसके जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से भी प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि है जो कि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों ये हमें याद होना चाहिए। तो कविता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तो यहाँ पर कवि कोयल से, कोकिल मतलब कोयल, ठीक है, कोकिल मतलब कोयल, तो कवि जो है कोयल से कह रहे हैं, क्योंकि कवि कहाँ पर है इस समय, कवि जो है जेल में है, अकेले हैं और आधी रात को जब उन्हें कोयल की आवाज सुनाई दे रही है तब वो कह रहे हैं कि क्या गाती हो कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, क्यों थोड़ी थोड़ी देर में चीख रही हो या आवाज कर रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो कि तुम क्या गा रही हो, क्या कहना चाह रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या लाती हो मतलब किसका संदेशा लेकर आई हो, यह संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तमका प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ठीक है, आली मतलब होता है सखी। ठीक है, इन शब्दों के यदि अर्थ हम लिख लेंगे साथ में
तो हमें इसका अर्थ करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि जेल में है और उसी बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार मतलब लूटपाट, लूटपाट करने वाले है ना, रास्ता रोककर जो लूट लेते हैं उन लोगों को बटमार कहा गया है। ठीक है, तो डाकुओं चोरों और लूटने वालों के डेरे में ये सारे लोग भी यहाँ पर है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो ऐसे में जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता और उन पर इतना कड़ा पहरा है कि वो मर भी नहीं सकते, वो तड़प कर ही रह जाते हैं। ठीक है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है क्योंकि ब्रिटिश राज है। ठीक है, ब्रिटिश राज है, अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो वहां पर स्वतंत्रता सेनानी जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है उन पर कड़ा पहरा था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उन पर कड़ा पहरा था। ये शासन है या तम, तम मतलब अंधेरा, तम मतलब अंधेरा। ठीक है, अंधेरा, यह शासन है या कोई गहरा अंधेरा है। ठीक है, शासन को, ब्रिटिश शासन को किसके बराबर बताया गया है, अंधेरे के समान बताया गया है। हिमकर, हिमकर मतलब चंद्रमा। ठीक है, हिमकर मतलब चंद्रमा। ठीक है, हिमकर मतलब चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर मतलब चंद्रमा ने भी निराश कर दिया है, मतलब चंद्रमा भी चला गया है और यह रात भी बहुत काली है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, इस समय तुम कालिमा मई मतलब कोयल भी काली होती है तो तुम क्यों जागी हुई हो अब सखी, है ना, कोयल को सखी के रूप में बताते हुए कहा गया है कि इस समय सखी तुम क्यों जग रही हो, यहाँ पर तो बहुत अधिक अंधेरा है, यहाँ जेल में स्थिति भी अच्छी नहीं है। ठीक है, पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है और तड़प कर रह जाते हैं, दिन रात कड़ा पहरा है, ये शासन है या कोई गहरा अंधेरा है, और चंद्रमा भी ने भी निराश कर दिया, रात भी बहुत काली है। ठीक है, रात भी बहुत काली है और यहाँ पे जो शासन की तुलना अंधेरे से, अंधकार से की गई है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हुक पड़ी, हुक मतलब चीख पड़ी। ठीक है, चीख, हुक मतलब चीख। तुम क्यों चीख पड़ी हो, क्योंकि कोयल आधी रात को बोल रही है, कूक रही है, तो कवि के मन में यह अंदेशा है कि कोयल इतनी आधी रात को क्यों चीख पड़ी है। वेदना बोझ वाली सी, और यह जो तुम्हारी चीख है यह कैसी है, दर्द भरी है ना, वेदना मतलब दर्द भरी है, बोझ के समान यह तुम्हारी जो चीख लग रही है। कोयल तुम बोलो क्या लूट लिया गया है तुमसे। ठीक है, क्या लूटा मतलब तुमसे क्या लूट लिया गया है, क्योंकि अभी देश पर ऐसा शासन है जो यहाँ के निवासियों को लूट रहे हैं, तो तुमसे क्या लूट लिया गया है। आगे बोला गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल तुम तो मृदुल मतलब कोमल, मृदुल मतलब कोमल। ठीक है, मृदुल मतलब कोमल, वैभव मतलब संपन्नता, वैभव मतलब संपन्नता। ठीक है, तुम तो कोमल संपन्नता की रखवाली हो, कोयल बोलो तुम क्यों दुख से चीख रही हो, है ना, तुम्हारे अंदर इतना दर्द क्यों है। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। क्या तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो, जो आधी रात को चीख रही हो। कोयल बोलो तुम, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। किस दावानल, तो दावानल बोलते हैं जंगल की आग। ठीक है, दावानल मतलब जंगल की आग, जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग को क्या कहा जाता है, दावानल। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुम्हें किसी जंगल की आग की ज्वालाएं दिख गई है, मतलब क्या कोई बहुत बड़ा संकट दिख रहा है। कोयल बोलो तुम क्यों आधी रात को चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना।
कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इस पूरे में कवि का कहना है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। तो यहाँ पर आधी रात के समय कवि जेल में है और वह कोयल से अपने बात करते हुए कह रहे हैं कि कोयल क्या तुम यह देख नहीं पा रही हो कि यहाँ पर तो ब्रिटिश राज जो है ब्रिटिश का राज है, ठीक है। और क्या तुम यह जंजीरें नहीं देख पा रही हो जिसमें हम जकड़े हुए हैं। हथकड़िया क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह हथकड़िया नहीं, यह ब्रिटिश राज जो विदेशी राज है उसका गहना है, ठीक है। विदेशी राज का गहना मतलब विदेशी राज के समय में हमें हथकड़िया लग रही है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, कोल्हू जो है, कोल्हू मतलब होता है कि जब कुएं से पानी निकाला जाता है, ठीक है, या फिर तेल निकालने के लिए जो बैलों को उसमें बांधकर चारों ओर घुमाया जाता है तो उसे कोल्हू कहा जाता है। तो उसमें इस तरह की आवाज आती है, ठीक है। तो कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो जीवन की तान है, ठीक है। उनकी जो आवाज आ रही है, उनके कार्य से जो काम हो रहा है वह जीवन की तान है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और यहाँ पर जो गिट्टी पर काम कराया जा रहा है, पत्थरों पर जो काम करते हैं हम, उसे हमारी अंगुलियों ने गाने लिख दिए हैं। मतलब हमारी उंगलियों पर निशान बन चुके हैं काम कर कर के। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं मोट खींचने वाले, ठीक है, मैं मोट खींचने वाले जानवर की तरह हो गया हूँ, या मैं मोट खींचने वाले पशु की तरह यहाँ काम कर रहा हूँ जिसके पेट पर जुआ लगा हुआ। जुआ जो एक चमड़े का एक मोटा डोल जैसा होता है जो कि तेल निकालने के लिए जब बैलों को लगाया जाता है कुएं पर, या पानी निकालने के लिए तो उस पर लगाया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ठीक है। और इस तरह से मैं खुद एक मोट खिस्ता हुआ बन गया हूँ, ठीक है, कोल्हू बन गया हूँ, और ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ मतलब मैं उनसे, उनके खिलाफ जो आंदोलन में भाग ले रहा हूँ, तो इस तरह से मैं उनकी अकड़ को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या भारत को आजाद कराने में लगा हुआ हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और मैं दिन के समय में कभी भी कोई रुलाने वाली करुणा अपने मन में आने नहीं देता हूँ। करुणा मतलब दया की भावना, ठीक है। दिन के समय में मैं कोई दया की भावना मन में आने नहीं देता, या फिर मैं रोता नहीं हूँ। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात के समय में, इस समय जब मैं अकेला हूँ, मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं है, तब सखी कोयल तुम जो ये चीख वाला गीत गा रही हो, या चीख वाली जो दुख भरा आवाज तुम कर रही हो, उससे वो गजब ढा रही है और मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। तो यहाँ पर कवि फिर कोयल से कहते हैं कि यह शांत समय में समय है, रात का समय है, सभी सो रहे हैं, इस अंधकार के समय में तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो। और इस प्रकार से तुम चुपचाप से मधुर, ठीक है, मधुर मतलब मीठे विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो कोयल बोलो तो, है ना। इस तरह से यहाँ कोयल के बारे में बताया गया है।